Now this election season, Priyanka Gandhi Vadra is firing back-to-back salvoes at Prime Minister Modi directly, and the Muslim quota controversy is at the centre of it. During the mega rally in Delhi, really, Priyanka also accused Prime Minister Modi of doing politics of religion. She in fact also said that Prime Minister Modi is denying his own speech now and what he had said earlier. Basically, this was after Prime Minister Modi's reference of no Hindu-Muslim politics. Prime Minister Modi, meanwhile, sounded the poll bugle in Maharashtra's Dindori, claiming opposition will snatch away OBC quota to accommodate Muslims. Listen in to how Priyanka Gandhi vadra is charging at Prime Minister Modi. And what did Prime Minister Modi also say? <laughs> मुख्यमंत्री रहते हुए जोर विरोध किया था कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का पंद्रह प्रतिशत सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो तब भाजपा के जबरदस्त विरोध के बाद ये कामयाब नहीं हो पाए थे लेकिन कांग्रेस कह रही है कि एस एसटी, ओबीसी और गबीर गरीबों का आरक्षण चीन कर मुसलमानों को दे देगी कांग्रेस आपकी संपत्ति को भी जब्त करके उसका हिस्सा अपने वोट बैंक को देने की तैयारी में है लेकिन कांग्रेस और एनडी गाड़ी वाले कान खोल करके सुन ले मोदी धर्म के आधार पर न बजेट बांटने देगा और न ही धर्म के आधार पर आरक्षण देगा ये सिर्फ झूठ फैलाते हैं आज तो ये हद हो गई है कि कल प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मेरे पहले के सारे बयान गलत थे वो दस सालों से राजनीति कर रहे हैं धर्म के आधार पर हर चुनाव को हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं बनाते हैं कल ये कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं ये पद इस पद को रखने के मैं लायक ही नहीं हूं तो दस सालों से क्या कर रहे थे आप मतलब या तो जो आप पहले कह रहे थे वो झूठ है या जो आप अभी कह रहे हैं वो झूठ है क्योंकि पूरा देश देख रहा है तो ये झूठ फैलाने के अलावा ये कुछ नहीं करते